तो आई होप क्लियर होगा, यहां तक कोई इश्यू नहीं है आपको। ठीक है, वैसे लास्ट ईयर फिजिक्स में पढ़े होंगे ये सब आपने। मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से एक चैप्टर होगा लास्ट ईयर, जिसमें आप लोगों ने डेटा पढ़ा होगा। ये तो था ट्रायंगुलर लॉ। अब इसकी थ्योरी क्या है या ये सब इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, आप लोगों ने फिजिक्स में लास्ट ईयर पढ़ा है। ठीक है, फिर भी किसी को पढ़ना हो तो बुक से पढ़ सकता है, बिल्कुल ईजी सा पार्ट है। बाकी जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो ये था। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो। ठीक है, तो आप फटाफट से ट्रायंगुलर लॉ लिखो। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय दिस टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगुलर ट्राइंगल नॉट ट्राइंगुलर सॉरी इफ टू साइड्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। रिपीट कर रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय अ थर्ड साइड इन द रिवर्स ऑर्डर। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल टेकन इन द सेम ऑर्डर, देन देयर सम इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। आई होप क्लियर होगा। चलो तो अब इसका, ठीक है, इसका बेस लिखते हैं, बिकॉज हमने जो भी लेट किया है, जो फॉर्मेट बनाया है, उसका बेस तो लिखें। लिखो लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, जल्दी जल्दी लिखो, लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, देन लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, देन लेट ओ बी अ फिक्स्ड पॉइंट, लेकिन फिक्स पॉइंट कहां पर है ये भी लिख लो, इन अ वेक्टर स्पेस। लेट ओ बी अ फिक्स पॉइंट इन अ वेक्टर स्पेस। नाउ इफ ए बी, नाउ इफ पी क्यू एंड एन एम, नाउ इफ पी क्यू एंड एन एम, पी क्यू एंड एन एम, नाउ इफ पी क्यू एंड एन एम आर टू वेक्टर्स इन स्पेस, आर टू वेक्टर इन स्पेस, वेरी गुड मॉर्निंग, लेट पी क्यू एंड एन एम टू वेक्टर्स इन स्पेस डिनोटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रेस्पेक्टिवली, दोबारा बोल रहा हूं, लेट पी क्यू एंड एन एम आर टू वेक्टर्स इन स्पेस डिनोटेड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, then the addition of these vectors are, then the addition of these vectors are
देन दी एडिशन ऑफ दिस वेक्टर्स आर, उसके बाद में लगा दो एक छोटी सी डंडी आर के बाद में, उसके बाद नीचे वाली लाइन से लिखो। ठीक है, नीचे वाली लाइन से लिखो, ड्रॉ आ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट, ड्रॉ आ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर, ड्रॉ आ डायरेक्शन लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर पैरेलल एंड इक्वल टू दी पी क्यू वेक्टर, ड्रॉ आ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ओ ई सॉरी पी नीचे है मैंने वो पढ़ लिया उसको, ड्रॉ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी पैरेलल एंड इक्वल टू दी पी क्यू वेक्टर, क्योंकि मैं कोई भी लैंग्वेज दोबारा रिपीट नहीं करूंगा इसलिए दो दो तीन तीन बार रिपीट कर रहा हूं एक लाइन को। ड्रॉ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर पैरेलल एंड इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, जब मैं ए बी पी क्यू इस तरीके से बोल रहा हूं तो डंडियां जरूर लगा लेना ऊपर, भूल मत जाना। पैरेलल एंड इक्वल टू ए बी वेक्टर, ब्रैकेट में लिख लो ए वेक्टर, जहां आपने ए बी वेक्टर लिखा है ना, मैं आपने लिखा ड्रॉ अ लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ए बी वेक्टर पैरेलल एंड इक्वल टू पी क्यू वेक्टर, तो जहां पी क्यू लिखा है उसके बगल में ए वेक्टर जरूर लिख लेना ऐसे। ठीक है, आगे लिखो एंड एंड ड्रॉ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी सी वैक्टर ऑल्सो, बी सी वैक्टर ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल टू एम एन वैक्टर, दोबारा बोल रहा हूं एंड ड्रॉ अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बी सी वैक्टर ऑल्सो पैरेलल एंड इक्वल टू एम एन वैक्टर, जहां एम एन एन एम वैक्टर, बेटा एन एम लिखना एम एन नहीं, एन एम वैक्टर जहां एन एम लिखो वहां बी वैक्टर जरूर लिख लेना ब्रैकेट में। इसका मतलब क्या है, मैं पोजिशन वैक्टर की डेफिनेशन में लिखाना भूल गया बेटा। जब किसी भी वैक्टर को आप उसके साथ में किसी भी वैक्टर के साथ में ब्रैकेट में कोई वैक्टर लगा देते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये उस लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का पोजिशन वैक्टर है, उस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का पोजिशन वैक्टर है अगर आप उसके आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं तो ये। ठीक है, तो अभी याद दिलाना, जब ये खत्म हो जाएगा ना तो नोट डाल के लिखवा देंगे एक बार। हो गया, देन एसी वेक्टर रिप्रेजेंट द सम ऑफ, देन एसी वेक्टर रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, देन एसी वेक्टर रिप्रेजेंट द सम ऑफ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर, इन अदर वर्ड्स पी क्यू वेक्टर एंड एन एम वेक्टर, देन AC vector represents the sum of AB vector and BC vector. In other words, PQ vector and NM vector. कोई अदर वर्ड्स नहीं लिखना चाहे तो जहां पे हमने लिखा है ना AB vector plus BC vector, वहीं पे इक्वल लगा के लिख दो PQ vector plus NM vector.
where AC vector represent the sum of AB vector and BC vector equal to PQ vector plus NN vector is equal to A vector plus B vector. और ये हमें लाना था, आई होप कि कोई इशू नहीं होगा यहां तक। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, नेक्स्ट हेडिंग। सब बच्चे अपने अपने माइक ऑन करना, आई होप कि अब तक तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। मैं डिस्कशन मोड पे ले रहा हूँ। हाँ नोट लिखो, नोट डाल के लिख लो। लेकिन बेटा वो जो नोट में लिखा रहा हूँ वो वेक्टर एडिशन के पहले लिखना जब नोट्स बनाओ आप, ठीक है? जो मैं नोट दलवा रहा हूँ वेक्टर एडिशन के पहले लिखना, अभी लिखने का कोई मतलब नहीं है। इफ ओ इज अ इफ ओ इज अ फिक्स पॉइंट इन ऑरिज इफ ओ इज अ फिक्स पॉइंट इन स्पेस इफ ओ इज अ फिक्स पॉइंट इन अ स्पेस एंड अ पॉइंट ए and a point A and a point A somewhere in space, दोबारा बोल रहा हूं, let O be a fixed point in a space and A be a point somewhere in space. Let O be a fixed point in a space and A be a point in a and A be a point somewhere in space. Then OA vector is a position vector of point A. Then OA vector is a position vector of point A. रिपीट कर रहा हूं, लेट ओ बी अ फिक्स पॉइंट इन अ स्पेस एंड ए बी अ पॉइंट समवेयर इन स्पेस, देन ओ ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, विद रेस्पेक्ट टू ओ विद रेस्पेक्ट टू ओ and OA vector is equal to A vector and OA vector is equal to A vector, then ध्यान मत लिखना, जब हमने लिखा ना ओ ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, उसके बाद नीचे से लिखना दैट इज ओ ए वेक्टर ए वेक्टर, ये लिखो, उसके बाद इक्वल में लिखो ओ ए वेक्टर इक्वल इक्वल, अब लिखना दैट इज ओ ए वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ, देन ए दैट इज ओ वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए विद रेस्पेक्ट टू ओ।
हाँ सब अपने माइक स्टार्ट करो, डिस्कशन मोड पे मैंने डाल दिया इसको अब। आई होप अब तो सबके माइक ऑन हो रहे होंगे, फटाफट करो। सिर्फ अभिषेक सैनी ने माइक ऑन कराया, और बच्चे भी ऑन करो फटाफट बेटा, जितने भी हैं 5-6 बच्चे जो भी क्लास में, फटाफट। सिर्फ 5 बच्चे हैं, वेरी गुड, बाकी भाग गए। निकिता, ललित, अभिषेक, शालिनी, ऑन करो फटाफट। गिव मिनट, स्कूल अथॉरिटीज, अगर आवाज आ रही हो मेरी, स्कूल अथॉरिटीज अगर कोई मेरी आवाज सुन रहा हो जो कि क्लास में कनेक्टेड है अभी, थर्ड पार्टी जो है अभी यहाँ पे, टू डिवाइसेस मेरी हैं और थर्ड डिवाइस और भी कोई कनेक्ट हो रही है, तो जो भी कनेक्टेड है प्लीज एक बार लॉगिन करो और मतलब माइक ऑन करो आपका। डीपी सर या फिर कोई भी जो भी सुन रहा है एक बार माइक ऑन करो। डीपी सर, डीपी सर,